तो यहाँ से तो सबसे पहले तो अपना ओरिजिनल फोटो यहाँ से ले चलना होगा अपने फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर। जब तक हम क्या करते हैं, अपना जो फोटो का बैकग्राउंड है ना, यहाँ हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, हमारा बैकग्राउंड रिमूव होना प्रोसेस जो है चालू हो चुका है, डन नाउ हो चुका है हमारा। ओके सो उसके बाद आप लोग को जो यहाँ आप लोग को 4 ऑप्शन दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट वाला आइकॉन के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा एंड नॉर्मल इस वाले फोटो को ले लेना। एंड उसके बाद आप लोग को नीचे के साइड में जो एक्सपोर्ट का आइकॉन दिख रहा है ना, ये रहा, एक्सपोर्ट वाले आइकॉन पे क्लिक करके नॉर्मल इस फोटो को जो आप लोग को सेव कर लेना है। एंड आप लोग को जो एक मैं बैकग्राउंड टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो सिंपली इस बैकग्राउंड को डायरेक्टली आप लोग को शेयर कर लेना होगा अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। ओके सो यहाँ से डायरेक्टली मूव होने के बाद आप लोग को यहाँ साइड से स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऐड फोटो का आइकॉन। ओके सो ऐड फोटो वाले आइकॉन पे जाने के बाद अपने सिंपली मॉडल को ऐड कर लेना है। यहाँ से मॉडल को ऐड करने के बाद आप लोग को यहाँ पर एक फ्लिप रोटेट का आइकॉन देखने को मिल सकता है, ये रहा फ्लिप रोटेट का आइकॉन। एंड उसके बाद आप लोग को जो ये वाला आइकॉन दिख रहा है ना, ये रहा तीसरे नंबर वाला आइकॉन के ऊपर आप लोग क्लिक करके इसे फ्लिप रोटेट कर लेना है एंड कुछ इस टाइप से आप लोग एडजस्टमेंट कर देना है। एंड अगेन आप लोग को ऐड फोटो वाले आइकॉन के ऊपर चले जाना होगा एंड यहाँ से इस बार आप लोग को एक अम्ब्रेला का फोटो मिल जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आप लोग को एडजस्टमेंट करने है, कुछ इस टाइप से आप लोग को कर देना है। एंड उसके बाद आप लोग को ऊपर के साइड में लेयर वाला आइकॉन दिख रहा है ना, लेयर वाला आइकॉन पर दिखने के बाद आप लोग को जो मूव डाउन का दिख रहा है ना बीच वाला आइकॉन, उसके ऊपर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना होगा। एंड उसके बाद आप लोग को राइट वाला आइकॉन के ऊपर आप लोग को क्लिक कर देना होगा एंड अगेन आप लोग को यहाँ से ऐड फोटो वाला आइकॉन के ऊपर यहाँ से चले जाना है एंड यहाँ से आप लोग बैकग्राउंड वाले आइकॉन पे चले जाना है। एंड यहाँ से आप लोग को एक येलो कलर ले लेना, जैसे कि ये वाला मैं ले लेता हूँ। सो येलो कलर लेने का ऐड कर लेना है एंड कुछ इस टाइप से आप लोग को फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ से आप लोग को हल्का सा स्क्रॉल करना है, हल्का सा स्क्रॉल करना ब्लेंड का आइकॉन मिलेगा, ब्लेंड वाला आइकॉन के बाद आप लोग को जो है मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग को इरेज वाले आइकॉन के ऊपर चले जाना होगा एंड यहाँ से जो लास्ट में आप लोग को इन्वर्ट का आइकॉन दिख रहा है ना, तो नॉर्मली आप लोग को इन्वर्ट कर लेना एंड हार्डनेस को इंक्रीज करके सिर्फ अपने कुछ कपड़े के ऊपर कुछ इस टाइप से आप लोग को आराम से आप लोग को चला लेना होगा। ओके देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं चला ले रहा हूँ। अगर आप लोग को जहाँ लगे कि यहाँ पर साइज छोटा करना है तो उस जगह आप लोग साइज छोटा करके अपने हिसाब से आप लोग कर लेना। ओके अपने अकॉर्डिंग आप लोग एडजस्टमेंट करके एडिटिंग कर लेना। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप लोग वीडियो बगैर स्किप करें एंड तक जरूर देखोगे, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है, इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक रेनी सीजन के ऊपर एक कंसेप्ट हो जाए। ओके देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आप लोग भी जाइए फटाफट अपने फोटो के ऊपर ये ट्रेंडिंग फोटो एडिटिंग आप लोग भी करिए। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो सेम प्रोसेस भी आप लोग को तो फॉलो करना ही होगा। ओके मेरी जान, देख सकते हो कितने अच्छे से यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। जब तक मैं ये वाला कर रहा हूँ, जब तक मेरे चैनल पर नए हो, तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है ऑल पर जरूर सेट कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आप लोग तक पहुँच जाए एंड आप लोग उस वीडियो को जो है घंटा भी मिस ना कर पाए। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। सो मेरे प्यारे दोस्तों, से वीडियो जो है हल्का सा फास्ट कर देता हूँ, वीडियो के अंदर और भी काफ़ी सारी जानकारी बताना है। सो ये भी काम हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया है। उसके बाद आप लोग को राइट वाला आइकॉन पे क्लिक कर देना होगा, अगेन आप लोग को ऐड फोटो वाला आइकॉन पे आप लोग को चले जाना होगा एंड आप लोग को 2 PNG और ऐड कर लेना होगा। ओके जैसे कि इस थंडर वाले जो PNG आप लोग को दिख रहा है, इसे कुछ हल्का सा पड़ा करके आप लोग को कुछ इस टाइप से आप लोग को साइड में एडजस्टमेंट दे देना होगा। देन उसके बाद इस बारिश के PNG को आप लोग को बीच में लेके आके कुछ इस टाइप से आप लोग को फुल स्क्रीन कर देना है एंड उसके बाद आप लोग को जो ऊपर के साइड में एक इरेज का आइकॉन दिख रहा है ना, इरेजमेंट वाले आइकॉन पे जाना है एंड सिर्फ अपने फेस के ऊपर से एंड बॉडी के ऊपर से इसे जो है फुल्ली आप लोग को इरेज कर लेना। ओके जैसे कि आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं आप लोगों को करके बता रहा हूँ। एंड इसके बाद भी और एक प्रोसेस है, जो अगर आप लोग वो प्रोसेस मिस करते हो ना, तो आप लोग का जो रेनी सीजन का फोटो एडिटिंग वो एकदम रियलिस्टिक दिखेगा ही नहीं। ओके सो वीडियो के अंत तक बने रहना, तभी आप लोग को वो समझ आएगा। तो देख सकते हो इस टाइप से आप लोगों को कर लेने के बाद यहाँ से आप लोग को रिस्टोर पे चले जाना होगा, हार्डनेस को कम एंड ऑपोसिटी को कम, हल्का सा आप लोग को साइज को इंक्रीज कर लेना है एंड कुछ इस टाइप से अपने कपड़े के ऊपर जो आप लोग को चला लेना है, देख सकते हो हाथ के ऊपर एंड कपड़े के ऊपर कुछ इस टाइप से हल्के हाथों से आप लोग को चला लेना है एंड बालों के ऊपर भी कुछ इस टाइप से आप लोग को चला लेना है एंड हल्के से हाथों से यहाँ पर भी इरेज कर लेना। ओके देन आफ्टर आप लोग को राइट वाला आइकॉन के ऊपर जो आप लोगों को क्लिक कर देना है। हमारा फोटो तो
नॉर्मली सब ऑलमोस्ट एडिट हो ही चुका है, लेकिन हम यहाँ से क्या करते हैं अपने फोटो के अंदर क्वालिटी लाने के लिए यहाँ से रिटच वाला आइकन के ऊपर यहाँ से चले जाते हैं। एंड उसके बाद आप लोग एक पॉट HDR पोर्ट्रेट का आइकन दिख रहा होगा, तो नॉर्मल उस वाले आइकन पे आप लोग क्लिक करते हो ना तो कुछ सेकंड्स आप लोग को वेट करना पड़ेगा, देन आफ्टर आप लोग का जो फोटो का रिजल्ट है ना रिमेनिंग एप्लीकेशन भी इस ऐप के सामने फेल है, देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, इसे आप लोग को 100 कर देना है। देख सकते हो एक बार मैं आप लोग को जूम करके बता देता हूँ, देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर कितना ज़्यादा आसमान जमीन का फर्क है। ओके सो आई होप कि आज का वीडियो आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।